अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा सेकंड व्लॉग है। सेकंड व्लॉग मेरा यूनिवर्सिटी का है। आज मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम एकदम से कॉलेज लाइफ छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है, कॉलेज लाइफ और तरह की होती है, ईजी होती है, और यूनिवर्सिटी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। हम लोग सोचते तो हैं लेकिन ईजी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत मुश्किल होती है। हमें एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट में जाने के लिए इतना मतलब डिस्टेंस होता है, ऑटो करना पड़ता है, या फिर हमारे पास अपनी कन्वेंस होनी चाहिए। अपनी कन्वेंस नहीं है तो मतलब है कि आपको ऑटो करवाना पड़ेगा। वहाँ पे फैसिलिटी है ऑटो की, इजीली मिल जाते हैं, बस पैसे भरने पड़ते हैं एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट। और ये है कि आपके लेक्चर्स जो डिपार्टमेंट होते हैं, आपके लेक्चर के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि साथ नहीं होते, काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो फिर इसलिए आपको ऑटो करवाना पड़ता है। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी और हमने इंग्लिश डिपार्ट का विज़िट करवाया आप लोगों को। इंग्लिश डिपार्ट जो था वो बिल्कुल बाकी डिपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हम गए स्ट्राइकी डिपार्टमेंट और ये देखिए कितना आला, और ऊपर से उसका टॉप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल चेंज है। और मुल्तान की यूनिवर्सिटी वैसे भी मशहूर है बहाउद्दीन ज़िकरिया, वो यूनिवर्सिटी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी यही होती है कि बहाउद्दीन में ही एडमिशन लें। और यहाँ पे हम थक गए थे, फिर मन लेने चले गए, और ये किसी की बाइक खड़ी हुई थी, आई गेस किसी ग्रह की होगी या किसी लड़के की होगी। तो फिर हम सब बात बैठ कर बातें करने लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे चल चल कर। फिर अपने गॉसिप शुरू कर दे, पता तो है जितनी लड़कियाँ बैठती हैं साथ तो गॉसिप शुरू हो जाते हैं। फिर हम चल पड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने सोचा पहले हम कैंटीन का विज़िट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा चलो तो फिर इंसान को भूख लग जाती है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात खाने की चीज़ें सामने होना, फिर रहा ही नहीं जाता। इंसान कहता है कि लाजमी खाए पिए ऐश करे। और फिर वापसी की तैयारी, आज का सिर्फ इतना ही था। बाकी लेक्चर्स के दौरान तो बना नहीं सकती थी, लेक्चर में जाहिर बात है सर पकड़ लेते हैं, फिर सर ऐसे इशू करते, डांट पड़ जाती है, फिर इसलिए वो तो व्लॉग में नहीं दिखाना था ना कि मुझे डांट भी पड़ सकती है, पड़ी थी मतलब। और जी अब हम वापसी जा रहे हैं घर की तरफ, और ये हमारा जवानी है। ये मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। हम मेट्रो की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने मेट्रो लेनी थी। ये हम आ गए BZU से बाहर, और देखिए कितना अच्छी एंट्रेंस है ना। और ये मेरे फ्रेंड्स जिन्हें चैन नहीं आ रहा था, और ये हमारा मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल ही इन्होंने मेट्रो स्टेशन ने तो मतलब बिल्कुल ही व्यू चेंज कर दिया था मुल्तान का शुरू में, लेकिन अब तो आदत हो गया, इतना फील ही नहीं होता कि कोई डिफरेंस भी है, क्योंकि हमारे तो पुराना हो गया ना, यूज्ड हो गए हम। और फिर यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी तक मेट्रो के लिए, मेट्रो स्टेशन नहीं आया, सिर्फ चलते ही जा रहे हैं। और ये देखें कितने प्यारे बच्चे हैं, बच्चे सब अच्छे होते हैं। खैर, मेट्रो स्टेशन पहुँचने तक का सफ़र अभी तक जारी है और हम चलते जा रहे हैं। और लेन जी हम पहुँच भी गए, अब हम एक्सीलेटर पर चढ़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ये आगे मेरे दोस्त हैं, इनको चैन नहीं आ रहा था। खैर अब मैं आपको इनका एक ईयरिंग दिखाती हूँ, फ्रेंड का कितना ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग गया। या फातिमा ज़हरा कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, वरना हम लोग तो कोई जडेस लगा लेता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, हमारी चेकिंग हुई थी, और ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं है, फिर भी मैंने बनाई है। और ये मैं आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, दोनों साइडों पर मेट्रो हाउस। और ये मैंने अपना कार रिचार्ज करवाया और हम नीचे जा रहे हैं मेट्रो लेने के लिए, क्योंकि ये स्टेशन का है नीचे जाना पड़ता है, और कुछ स्टेशन का है कि मतलब हम ऊपर जाते हैं मेट्रो लेने के लिए, यहाँ नीचे जाना पड़ता है। और ये BZU स्टेशन है जी। अब हमने यहाँ से चेक ऑफ कर लिया और हम पहुँच गए मेट्रो में, क्योंकि आगे अलाना बनाना अलाउ नहीं था। और यहाँ से भी मेट्रो से भी आपको बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग नहीं रहा कि हम जैसे पाकिस्तान में हैं। और ये हम देख रहे हैं जी मुल्तान, ये मुल्तान का व्यू है, मुल्तान की सड़कें हैं, मुल्तान के रोड हैं। और देखें कितना अच्छा लग रहा है ना यार, दिल करता है बंदा यहीं से नीचे जाए, मतलब कोई पैराशूट हो या किसी भी तरह से। लेकिन देखें कितनी अच्छी लग रही हैं बिल्डिंग्स, और कहीं कहीं तो कचरा होता है, और कहीं कहीं तो बंदा कुछ ऐसा देख लेता है ऊपर से ही,
जिसके बाद देखने से बंदा को कह रहा होता है कि ऐसा नहीं देखना चाहिए था। और हम नेक्स्ट स्टेशन पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेशन सब्जाजार। हम सब्जाजार स्टेशन पहुंच गए और देखिए कितना अच्छा बना है ना यार, ऐसे आइडिया लिया है ना। जी हम पहुँच गए, यहाँ से मस्जिद पैसेंजर्स आएंगे। अच्छा है एक तरह से, अब अगर हमारे पास कार्ड है तो हमने मतलब मेट्रो में सफ़र किया है तो हमारे पास कार्ड हमने कार्ड से पे किया था तो फिर हम उसके 5 मिनट बाद वीडियो ले सकते हैं और उस पर 5 रुपीज़ चार्ज होगा लेने का, लेकिन जब आप चुनो आपको वापस कर देगा, मतलब वापस आ जाएगा बैलेंस 5 रुपीज़। जैसे हमें आंटी बैठी हुई थी, आंटी देखिए दूसरी बैठी इतने मुहसिब तरीके से बैठी हैं, एक बैठी हैं टंगी खोली है, छोड़ो छोड़ो बुरी बात हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेशन के लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच जाए और हम बहुत थक गई हूँ मैं इस वक्त। ये मेरा कार्ड मेट्रो स्टेशन का। ये जी हमारा स्टेशन तकरीबन आ गया चुंगी नंबर 9 और हम उतर गए, क्योंकि यहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ता है और नेक्स्ट स्टेशन इसका दूसरी साइड हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ उतरना होता है। मेरा रूट अलग है ना इसलिए, और ये मेट्रो स्टेशन की अंदर की है। फाइनली मैंने बनवा ली और हम बम नीचे जा रहे हैं। ये स्टेशन के बाहर का व्यू है। मेट्रो स्टेशन में से सबसे अच्छा स्टेशन यही 9 नंबर चुंगी नंबर 9 का स्टेशन है। यहाँ से निकलते ही ऑटोज की लाइन लगी हुई होती है, मतलब वेट नहीं करना पड़ता, वीडियो का करना पड़ता है अगर वीडियो पे जाना हो तो, वरना ऑटो आपको इजीली मिल जाता है। और हम मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद साइड में आकर वेट कर रहे हैं वीडियो के लिए, क्योंकि ट्रैफिक देखने कितना रश होता है ना लोनडा स्टेशन पर सामने लाइन ऑटोज की। मैंने कहा था ना आपको कितनी लाइन लगी हुई है और ये कितना मतलब लग नहीं रहा कि ये चुंगी नंबर 9 है। और ये जी लें जी हमारी वीडा आ गई, फीडर बसेस भी बोलते हैं ना इसे, स्पीडो भी बोलते हैं। और हम और लें जी वीडा आ गई और हम अब बैठने जा रहे हैं और लें जी तकरीबन हम बैठ गए। और ये आर्टिस्ट सामने वाली ऊपर किसी के बना नहीं सकते, अलाउ नहीं होता, और अच्छी बात भी नहीं है ना। और हमारा यूनिवर्सिटी का विजिट कंप्लीट हुआ है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। और ये देखें ड्राइवर से बात करना मना है। चलें अब तक के लिए बहुत है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।